मंच पर बैठे हुए सभी साथी और सभागृह में भी उपस्थित सभी साथी, आज इस मसले पर हम यहाँ इकट्ठा हुए उसका जन्म भी और उसका इतिहास भी बहुत क्रूरता से भरा हुआ। 1948 से पहले और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यहूदियों के इंडिपेंडेंट राज्य की कोई कल्पना नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कुछ परिवार वहां रहने के लिए आए थे और हिंदुस्तान की तरह से वो इलाका भी जो फिलिस्तीन वाला है वो ब्रिटिश कॉलोनी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर के इज़राइल को जन्म दिया। सारे इलाके में फिलिस्तीन के लोग रहते थे और उस समय 1/3 हिस्सा इज़राइल के हिस्से में आया और 3/4 हिस्से पर कब्जा फिलिस्तीनियों का था। लगातार इन्वेजन करता रहा फिलिस्तीन के खिलाफ और 1967 में 6 डे वार हुई है, जो लोग जानकार यहां बैठे हैं वो सब जानते हैं। उसमें मिस्र भी, सीरिया भी, इवन जॉर्डन भी, उसके भी बड़े हिस्से पर इज़राइल का कब्जा हुआ। यूएन ने प्रस्ताव पास किया कि गोलन हाइट से लेकर के वेस्ट बैंक तक जहां जहां भी कब्जा किया है उस सारे को वापस किया जाए। आज तक वो जमीनें अब भी इज़राइल के कब्जे में। नया ताजा है कि तेल अवीव जो है वो कैपिटल थी, जरूसलम कभी कैपिटल नहीं थी। और पिछले दिनों वहां की पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पास कर दिया कि तेल अवीव नहीं, जरूसलम वहां की कैपिटल। और जरूसलम कैपिटल होगी तो फिर बड़ा विवाद भी वहां पर इसलिए होगा कि अब रमजान का महीना है और कोई रमजान ऐसा नहीं हुआ है जब वहां पर ऊंचे पैमाने पर जो इस्लाम मजहब के मानने वाले लोग हैं वो पुलिस के द्वारा ना पीटे गए हों, ना मारे गए हों और उनको अपने धार्मिक कार्यक्रम को भी से भी ना रोका गया। वहां की जो अल अक्सा मॉस्क है, जो जानकार लोग हैं, मेरे खैर सभी ज्यादा जानकार लोग हैं, वो प्रॉफिट की पहली मस्जिद है। और अब जब ईद का मौका आएगा या जब आखिरी जुमा होगा वहां पर ऊंचे पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं। अब वहां कर्फ्यू लग चुका होगा 2-3 दिन के बाद, किसी को मस्जिद के अंदर भी जाने का इजाजत नहीं होगी। जो लोग जाएंगे मारे जाएंगे, पिटेंगे। और ये आज से नहीं, लंबे समय से हो रहा है। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि उस मस्जिद पर भी कब्जा करने का प्रयास, चूंकि अलविदा जुमा भी और जो ईसाई भाइयों का जुमा है गुड फ्राइडे कई बार एक साथ पड़ा है, तब भी वहां पर घमासान। अब एक तो अरब वर्ल्ड है और एक रईस लोगों की दुनिया है, वो सब खामोश है। बहुत लंबे अरसे से हमारी भी काफी उम्र है, हमने इंसानियत का ऐसा मैसेकर कभी नहीं देखा। और अब 1 साल से लेकर के 7-8 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी अपने आप ही मौतें हो रही है कुपोषण की वजह से। अभी हमारे किसी साथी ने जिक्र भी किया था। और कम से कम 60-62 हजार के करीब लोग जो हैं अब तक मारे जा चुके हैं। जो यूएन में प्रस्ताव आता है पास होता है लेकिन जमीन पर कभी नहीं आता, उतरता नहीं है। और जो दुनिया का बैलेंस है, ये मैं जरूर यहां पे अपनी बात कहना चाहूंगा, वो बिगड़ा हुआ है। जब तक सोवियत संघ मजबूत था
तब तक इतनी हिम्मत वेस्टर्न वर्ल्ड की भी और अमेरिका की नहीं पड़ती थी इस बर्बरता के साथ वहां पे पेश है। हमें वो जमाने याद हैं और पढ़े भी हैं, हम वहां गए भी हैं। अब्दुल कलाम नासर साहब भी एक ऐसे नेता वहां पर पैदा हुए मिस्र में, जिन्होंने स्वेज कैनाल का बाकायदा अपने कब्जे में लेकर के नेशनलाइजेशन कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज देखते रहे, ऐसे भी जमाने। आज पूरा अरब वर्ल्ड भी बदला हुआ है, अधिकांश हुकूमतें वो अमेरिका के इशारे पर, और जो बची हुई दुनिया है उसमें शिया सुन्नी करा दिया गया है। मुझको तो ईरान में भी, इराक में भी, जॉर्डन में भी, मिस्र में भी, सब जगह जाने का मौका मिलता रहता है। उनकी जो पार्लियामेंट एजेंट्स की एक फोरम है फॉर द कॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन, उसका मैं मेंबर हूं, तो मैं जाता रहता हूं, तो इन इनर कॉन्ट्रडिक्शंस की भी हम लोगों को जानकारी मिलती है। साथियों, आज हम जब इकट्ठा हुए हैं तो इससे पहले भी हम कई बार और भी इकट्ठा हो चुके हैं, जो साथियों की जानकारी नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूं। 10-12 पॉलिटिकल पार्टीज के 15-20 एमपीज को लेकर के हम एम्बेसडर के साथ अपनी सॉलिडरिटी भी एक्सप्रेस करके आए थे। उसके बाद कई संस्थाओं ने विट्ठल भाई पटेल हाउस के अंदर भी कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कई रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोमिनेंट लीडर्स थे। अख्तरुल वासित साहब थे वहां पे जामिया में, वहां पर भी गए हम लोग। मुंबई में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन अब इन कॉन्फ्रेंस में भी वो गुस्सा और वो मजबूती नहीं है जो पहले हुआ था। मैं जब अपने कॉलेज टाइम में फिलिस्तीन की तरह से ही वियतनामियों पर भी ऐसे जुल्म हुए थे, पहले अमेरिका, पहले फ्रांस, फिर अमेरिका, और वहां पर नसीली जो गैसे हैं वो छोड़ करके हजारों की तादाद में लोग मारे गए, लेकिन सब समाज गवाह है। इराक पर जब हमला किया था बड़े बुश ने, 5 लाख अमरीकी लोगों ने उसका विरोध किया था, इंसानियत इतनी भी नहीं मरी। और अब भी इन हमलों के खिलाफ कोई दिन जाता है जब यूरोप के किसी ना किसी मुल्क में लोग लाखों की तादाद में ना इकट्ठे होते। कोई हम जर्मन का कोई भी मुल्क ले लीजिए, तो एक सिविल सोसाइटी है दुनिया में जो इन चीजों को अच्छा नहीं मानती है, उसका विरोध करती है। जहां तक भारत का ताल्लुक है, हमारे मित्र कुर्बान भाई ने जिक्र किया, हिंदुस्तान सबसे पहला गैर अरब मुल्क है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी, और जब भी कोई उनके साथ दिक्कतें पेश आई, नटवर सिंह जी वहां पर एक बार एम्बेसडर थे, तो उन्होंने मुझे निजी बातचीत में बताया कि जब भी यासर अराफात साहब अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते थे, मोसाद या सीआईए के जरिए उन पर कोई हमला हो सकता है, तो उनके ठहरने की सबसे जो महफूज जगह थी वो इंडियन एम्बेसी हुआ करती। जनता में ऐसा नहीं, आप चले जाइए
इस्तांबुल में, वहां से दूसरे निकल रहे होंगे। आप किसी और मुल्क में चले जाइए, ईरान भी गया, वहां पर भी कोई शिया सुन्नी का विवाद नहीं, लेकिन अमेरिका उसके आसपास के लोग इसको करने पे लगे रहते हैं। पिछले दिनों मुझे कतर में जाने का मौका मिला दोहा, जहां फिलिस्तीन के कुछ साथी ऐसा भी करके चाहते थे, और आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ की बात कहना चाहता हूं, फिलिस्तीनी आंदोलन मर चुका है, और जो फिलिस्तीनी आंदोलन है उसकी जगह आप चाहे ना चाहे, आप बर्दाश्त करें ना करें, वो हमास ले चुका है। 99.99% जो फिलिस्तीनी है अब वो हमास समझ रहे, और वहां के लोग चाहते हैं इसको बात करनी है। अब्बास साहब जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर, इज अराउंड 90, वो ठीक से बोल भी नहीं पाते। तो एक नई दिक्कत जो है अब ये भी आ गई कि आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के इजराइल के, वो दुनिया के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों में से एक, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे दायर किए हुए, सुप्रीम कोर्ट उनको सजा दे चुका है। अब उनके सामने भी या किसी भी हुक्मरान के सामने जब वो दिक्कत में आता है, तो ये जो फेक नेशनलिज्म है वो एकमात्र रास्ता उसका होता है। उसके संगठन में भी दरार पड़ चुकी है। जो पहला प्राइम मिनिस्टर था जो इसमें वार का डिफेंस मिनिस्टर है, वो बगावत कर चुका है, और पिछले 8 दिन से जरूसलम में भी, तेल अवीव में भी, उसका इस्तीफा हो नेता ना होगा ये कहकर के जरूसलम जल से निकल रहे हैं। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको लड़ना फिलिस्तीन। अब जो दुनिया की सब समाज की ताकतें हैं वो कितनी बेबस और लाचार है कि यूएन का रेजोल्यूशन भी इंप्लीमेंट कराने की औकात और हैसियत अमेरिका और ब्रिटेन की भी नहीं है। एक तरफ वो हथियार दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपील कर रहे हैं कि नहीं युद्ध समाप्त करो। अब ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। मैं एक नई जानकारी आपको देना चाहता हूं, चूंकि अब ये उनके बीच आर पार का युद्ध है, और हमास जो है उसका बच्चा बच्चा मरेगा, लेकिन युद्ध में वो उसके सामने घुटने टेकने वाला नहीं। ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा कर
साथ रखेंगे, उसी मुस्तैदी के साथ हम उनकी हिमायत करेंगे, हम पे तो कोई जोर नहीं। लेकिन जिस तरह का माहौल बनना चाहिए था हिंदुस्तान के अंदर भी, उस तरह का माहौल यहां पे नहीं बना। लेकिन लोग दुखी हैं, अफसोस में हैं, और भाई जालिम से जालिम भी, ये जो 30 दीवार है, ये तो सब जो मानने वाले लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, उनको भी वो भी रहमती रह जाती। ये कैसी इंसानियत है, ये कैसे सब समाज के लोग बने कि पूरे रमजान के महीने में हिंसा हुई, और ये पहला मौका है। 15 दिन की सीज फायर, ये लड़ाई आज से तो है, 48 से ही है, जिस दिन इजराइल बना है उसके अगले दिन से ही ये लड़ाई शुरू हो गई। और आप कल्पना करो, तीनों मौसमों में तंबुओं में 3 पीढ़ियां पैदा हुई है, तंबुओं में कोई मकान नहीं, और ऐसा हमने ना सुना ना देखा। आप अस्पताल के अंदर भी जाके लोगों को मार सकते, बैन है, यूएन रेजोल्यूशन है, वार क्राइम है। आप बच्चों को नहीं मार सकते, आप बूढ़ों को नहीं मार सकते, आप बीमारों को नहीं मार सकते, आप विद्यार्थियों को नहीं मार सकते, लेकिन वहां यूएन भी लाचार पेपर से और सब समाज। अब जितने भी हमले हो रहे हैं सारे अस्पतालों पे, जितने भी वारदातें हो रही हैं बच्चों पे हैं, अब तो ऐसा इंसानियत का नंगा नाच, शैतानियत का नंगा नाच, हमने कभी हिटलर के टाइम तो हम पैदा हुए नहीं। हम गए जरूर हैं कई ऐसे मुल्कों में जैसे पोलैंड है, जर्मन से लगा हुआ है, वहां पे एक बड़ा मैदान था, वहां हमें लोग लेके कि यहां 2 लाख आदमी मार दिए थे हिटलर की फौजों, ये सुने किससे हमने पढ़े। लेकिन इधर 20-30-40 साल से वियतनाम वार के बाद खासतौर से हमने इस तरह का कोई सुना नहीं था। किस्सा मैं बहुत मजबूती के साथ, बहुत साफ गोई के साथ आपके जो पत्रकार मित्र जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, एक तो उनके हौसले की मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि इस मौसम में भी उन्होंने ये हौसला दिखाया जब सब लोग चुप हैं,